यूनिकॉर्न्स वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी दीपिका श्रीवास्तव एंड यू आर वाचिंग यूनिकॉर्न डिवाइन। गाइज, आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है और वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग वीडियोज़ में से एक होने वाली है, जो कि है सरोजी नगर के मेकअप कलेक्शन का एक्सप्लोर वीडियो। मेरे पास बहुत दिनों से कमेंट्स आ रहे थे और DMs आ रहे थे कि आप सरोजी नगर के मेकअप कलेक्शन की भी वीडियो बनाओ। ऑल्दो मेरे पास मेरे चैनल पे बहुत सारी वीडियोस हैं मेकअप से रिलेटेड, मैंने हॉल वीडियोस भी किया हुआ है और एक्सप्लोर वीडियोस भी किया हुआ है लाजपत नगर प्लस सरोजी नगर, तो उसका सारा लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। ये वीडियो देखने के बाद आप वो वीडियोस भी ज़रूर देखना, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी प्लस इंटरेस्टिंग। और आज की वीडियो में आपको काफ़ी न्यू कलेक्शन देखने को मिलेगा सरोजी नगर का। जितना भी मेकअप कलेक्शन वहाँ पर आया हुआ है मैंने सारा कवर अप किया है, सो दैट आपको एक आइडिया मिल जाए कि कैसा कलेक्शन वहाँ पर चल रहा है मेकअप को लेकर के। और अगर आपको उसकी क्वालिटी और मतलब कैसा पे ऑफ दे रहा है वो अगर आपको जानना है तो उसके लिए मेरा ट्राई ऑन हॉल वीडियो देख सकते हो आप। मैंने उसमें मेकअप करके बताया है कि कैसा उसका क्वालिटी है, कौन से प्रोडक्ट वर्क कर रहे हैं और कौन से नहीं। और अगर आपको न्यू देखना है तो डू कमेंट डाउन बिलो। मैं अलग से शूट करने का सोच रही हूँ कि फिर से मैं सरोजी नगर के मेकअप प्रोडक्ट्स को ट्राई करूँ, कुछ न्यू प्रोडक्ट्स, और उनका रिव्यू काइंड ऑफ दूँ। तो अगर आपको वो वीडियोज़ देखनी है तो प्लीज़ डू कमेंट डाउन बिलो, आई विल लव टू मेक दैट। सो मूविंग फॉरवर्ड गाइज, लेट मी टेल यू कि सरोजी नगर में मेकअप प्रोडक्ट्स की कैसी मार्केट होती है, वहाँ पर मेकअप कलेक्शंस की कैसी मार्केट होती है। तो मैंने जब भी जितनी भी बार विजिट किया है सरोजी नगर, मुझे बहुत ही कम, बहुत ही रेयरली इवन एक दो शॉप ऐसी दिखी होंगी जहाँ पर उन्होंने साइड पर मेकअप का कलेक्शन लगाया हुआ था, नहीं तो ज़्यादातर वहाँ पर स्ट्रीट स्टॉल ही लगे होते हैं मेकअप प्रोडक्ट्स के। बहुत ही कम रेयरली ऐसा होता है कि शॉप पर उन्होंने लगाया होता है। और जितने भी स्ट्रीट स्टॉल होते हैं वहाँ पे सिर्फ मेकअप प्रोडक्ट्स भी होते हैं, और कई स्टॉल ऐसे होते हैं कि मेकअप प्रोडक्ट्स होते हैं, हेयर एसेसरीज होती हैं और नेल पेंट्स और ये सब चीज़ें लगी होती हैं, बहुत ही कॉम्बो के साथ उन्होंने लगाया होता है। और बहुत ही चीप रेट में वहाँ पे मेकअप प्रोडक्ट्स मिलते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम ₹20 ओनली। येस, ₹20 में वहाँ पर लिपस्टिक्स मिलते हैं, आई लाइनर्स मिलते हैं और नेल पेंट्स मिलते हैं। बट उसके साथ साथ मतलब क्वालिटी के साथ साथ उन्होंने प्राइस भी इंक्रीज़ किए हुए, तो जैसे जैसे उसका क्वालिटी बढ़ाते हैं वो उस हिसाब से प्राइस भी इंक्रीज़ करते हैं जैसा कि वो बोलते हैं। ऑल्दो वहाँ की जितनी भी ₹50 ₹100 ऐसी वाली क्वालिटी होती है वो मैं रिकमेंड नहीं करूँगी अगर आप सेंसिटिव स्किन के हो या आपको सूट नहीं करता जल्दी मेकअप आइटम या स्किन केयर आइटम, तो आप बिल्कुल भी मत परचेज़ करना, आपके रिस्क पे है कि अगर आप वहाँ पे जाते हो। ऑल्दो मैंने चेक करने के लिए और रिव्यू के लिए एक वीडियो बनाया है तो आप वो भी रेफरेंस के लिए देख सकते हो, उसमें मैंने बताया कि कौन से प्रोडक्ट्स मुझे वहाँ पर बिल्कुल भी याद लगे और कौन से मुझे ठीक ठाक लगे कि आप यूज़ कर सकते हो और कौन से बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। लाइक वहाँ के आई शेडो पैलेट्स, ओ माय गॉड, इतने ज़्यादा अमेजिंग आई शेडो पैलेट्स थे। हाँ, थोड़े से फॉल आउट हो रहा था बट उनके प्राइस रेंज के हिसाब से जितने भी पैलेट थे वहाँ पे बहुत अमेजिंग लग रहे थे। मैंने वहाँ से एक आई शेडो पैलेट पिक किया है और वो बहुत ही ज़्यादा यूनिवर्सल है, उसमें हर एक शेडो अवेलेबल है, चाहे आप मैट शेडो चाहिए, आपको ग्लिटर शेडो चाहिए, प्रेस ग्लिटर चाहिए, हर एक शेडो वहाँ पे अवेलेबल है इन जस्ट ₹150, विच इज़ अमेजिंग। गाइज, नेक्स्ट अप मुझे ज़्यादातर वहाँ पे ₹50 के नेल पेंट्स दिख रहे थे और उनमें उनके पास काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी और काफ़ी ज़्यादा कलर चॉइसेस थे, हर एक कलर में उनके पास नेल पेंट्स अवेलेबल थे, यू जस्ट हैव टू नेम इट एंड दे हैव इट। और उसमें उनके पास दो वैरायटी थी, लाइक एक ग्लॉसी वंस थे और एक थोड़े मैटेड वाले थे, तो आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से चूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट अप हम लोग बात कर लेते हैं सरोजी नगर के लिपस्टिक्स की। इतनी ज़्यादा वहाँ पे वैरायटी थी लिपस्टिक्स में और चॉइसेस भी काफ़ी ज़्यादा थी, लाइक वहाँ पे हर एक तरीके के आपको लिपस्टिक्स मिल जाएंगे, बुलेट लिपस्टिक्स, लिक्विड लिपस्टिक्स, क्रेयॉन लिपस्टिक्स, हर एक तरीके के। और कलर चॉइसेस तो इतने ज़्यादा थे, यू जस्ट हैव टू नेम इट एंड दे हैव इट, हर एक तरीके के उनके पास कलर्स अवेलेबल थे, पॉप अप कलर्स अवेलेबल थे, न्यूड शेड्स अवेलेबल थे, रेड के हर एक शेड अवेलेबल थे, मरून, ऑरेंज, हर एक शेड अवेलेबल थे और हर एक कलर का उनके पास बहुत ही ज़्यादा अलग अलग शेड था। लाइक रेड के उनके पास 7 से 8 शेड्स थे और इवन उनके पास जो ब्लॉगर्स के कलर्स होते हैं जो कि काफ़ी डिफरेंट होते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो कि वो ट्राई करना चाहते हैं, बोल्ड लिपस्टिक्स, वो भी अवेलेबल थी, वेरी अफोर्डेबल प्राइस। वहाँ पर ज़्यादातर लिपस्टिक्स की जो प्राइस थी वो स्टार्ट हो रही थी ₹50 की, जो लिक्विड लिपस्टिक्स थी और जो थोड़ी सी बुलेट लिपस्टिक्स, थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी लग रही थी उनकी, उनके प्राइजेस उन्होंने 70 रुपीज़
एक्सेसरीज रखे थे और 100 और 150 के भी लिपस्टिक्स वहाँ पे अवेलेबल थे, बट ज़्यादातर आपको 50 रुपीज़ और 70 रुपीज़ के लिपस्टिक्स देखने को मिले। नेल पेंट्स के पास ही उन्होंने रखा हुआ था नेल पेंट रिमूवर, और वो उसके उनके पास दो तरीके के थे, एक लिक्विड वाले और वाइप्स वाले। जो वाइप्स वाले थे उनके प्राइस उन्होंने 20 रुपीज़ और 30 रुपीज़ ऐसे ही रखे हुए थे, जिनमें उन्होंने 70 to 80 वाइप्स मतलब अवेलेबल हो जाता है। और जो लिक्विड वाला था उसका एक बॉटल था 100 रुपीज़ का आई गेस, हाँ ऐसे ही था। तो आप चेकआउट कर सकते हो जो आपको कन्वीनियंट पड़े, वाइप्स वाला या लिक्विड वाला। वैसे मुझे आजकल वाइप्स वाले ज़्यादा ही कन्वीनियंट लगे। नेक्स्ट अप गाइज, लेट जस्ट टॉक अबाउट द करंट सिचुएशन। मेरे पास काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे, आप लोग के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन थे रिलेटेड टू द ओपन मार्केट, सरोजी नगर मार्केट, लाजपत नगर मार्केट, दिल्ली की मार्केट बेसिकली। तो मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में बताया है कि मार्केट्स अब खुल गई हैं, लॉकडाउन खुल गया है तो उस हिसाब से मार्केट्स खुल गई हैं, बट विथ सम रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो वो मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ। सबसे पहले मार्केट्स ऑड एंड इवन कॉन्सेप्ट में खुल रही हैं, तो आधी मार्केट एक दिन खुल रही है और आधी मार्केट एक दिन खुल रही है। उस हिसाब से क्या होगा कि ज़्यादा भीड़ भी नहीं लगेगा और थोड़ा सा रूल्स एंड रेगुलेशन भी फॉलो हो जाएगा। और जो दूसरा फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन था वो ये था कि टाइमिंग क्या है। तो जहाँ तक मुझे पता है टाइमिंग 10 बजे खुल रही है मार्केट्स, और ज़्यादा देर तक नहीं खुल रही है, आई गेस 6 बजे या 6:30 बजे तक बंद हो जा रही है। सो दीज आर द इन्फॉर्मेशन विच आई वॉन्टेड टू शेयर विथ यू गाइज। और अगर आप मेरी मानो, आई सजेस्ट यू गाइज कि अभी थोड़ा अवॉइड करो, अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तभी जा कर के आप वहाँ से परचेजिंग करो, शॉपिंग करो। अगर ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, आप अवॉइड कर सकते हो तो प्लीज़ डू अवॉइड, क्योंकि अभी अभी लॉकडाउन खुला है, अभी बहुत ज़्यादा सिचुएशन सही नहीं हुई है, अभी भी थोड़ा डर है। तो मेक श्योर कि आप जब ज़्यादा ज़रूरी हो तभी आप घर से निकलो या तभी जा कर के आप शॉपिंग करो। मैंने भी ये जितनी भी वीडियोज़ बनाई हैं ये बहुत टाइम पहले की है, ऐसा नहीं कि रिसेंटली मैं जाके बना रही हूँ, अभी मैंने नहीं स्टेप आउट किया है, अभी मैं जाके एक्सप्लोर नहीं कर रही हूँ, बिकॉज़ आई नो कि अभी सिचुएशन उतनी ज़्यादा हैंडल नहीं हुई है। तो कोई फ़ायदा नहीं है कि जा कर के आप मतलब इतनी ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन में आप जाओ और ख़ुद को भी डेंजर दो। तो अभी अगर ज़्यादा ज़रूरी है तभी जाना, अदरवाइज़ आप इग्नोर करना। जब सिचुएशन और ज़्यादा सही हो जाएगी और सब चीज़ें और भी ज़्यादा नॉर्मल हो जाएंगी तब आप जाके शॉपिंग कर सकते हो। और अगर ज़रूरी है जाना तो आप जाओ शॉपिंग करने, बट टेक ऑल द प्रिकॉशंस, वेयर मास्क, यूज सैनिटाइजर एंड बी सेफ वाइल शॉपिंग। नेक्स्ट अप गाइज, अगर सरोजी नगर के आई शेडो पैलेट्स की बात की जाए तो यू नो कि आई शेडो पैलेट्स सरोजी नगर के मुझे कितने ज़्यादा पसंद है। अगर आप लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियोज़ देखी होंगी, एक्सप्लोर या हॉल, ट्राई ऑन हॉल, जिसमें मैंने यूज़ किया था सरोजी नगर का आई शेडो पैलेट, सबसे पहला पैलेट, और इतना ज़्यादा इम्प्रेसिव उसका इफेक्ट था, इतना ज़्यादा अमेजिंग उसका रिजल्ट था। तो इतने ज़्यादा वहाँ पे कलर चॉइसेस और इतनी ज़्यादा क्वालिटी आपको मिल जाएगी आई शेडो पैलेट्स में। अगर आपको स्मॉल साइज़ चाहिए वो भी मिल जाएगा, अगर बड़ा साइज़ चाहिए वो भी मिल जाएगा, और उनके प्राइजेस भी काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग होते हैं। उनके प्राइजेस स्टार्ट होते हैं 150 से लेकर के, और जिस हिसाब से आपका पैलेट बढ़ता जाएगा उस हिसाब से उनका प्राइस भी बढ़ता जाएगा। तो अगर आप मुझसे पूछते हो कि सरोजी नगर के जितने भी मेकअप कलेक्शन हैं और वहाँ के जितने भी मेकअप प्रोडक्ट्स हैं उनमें से मेरा मोस्ट फेवरेट, या अगर मुझे किसी को रिकमेंड करना हो, तो मैं वहाँ के आई शेडो पैलेट ज़रूर करूँगी। अगर आप बिगनर हो और आपको ज़्यादा पैसे नहीं खर्च करने आई शेडो पैलेट्स में और ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है, बट आपको मेकअप करना और सीखना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आप वहाँ के आई शेडो पैलेट्स में इन्वेस्ट करके वहाँ से परचेजिंग कर सकते हो। ऑल्दो उतनी ज़्यादा दी बेस्ट क्वालिटी नहीं होती है, बट बहुत ही सेटिस्फाइंग क्वालिटी होती है, उसका पिगमेंटेशन भी बहुत अच्छा होता है, और जितने भी प्राइस में उन्होंने कोट किया होता है वो सारे रीजनेबल प्राइस होते हैं। बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता है कि वो ज़्यादा कोट कर रहे हैं या क्वालिटी अच्छी नहीं है और पैसा ज़्यादा लग रहा है, बल्कि पैसा कम ही लगता है और क्वालिटी उससे थोड़ी अच्छी ही मिलती है। अगर आप बिगनर हो और आपको मेकअप करना बहुत पसंद है, आप सीखना चाहते हो बट इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हो, तो आप सरोजी नगर से आई शेडो पैलेट्स परचेज करके अच्छे अच्छे मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हो, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग आई। गाइज, आई शेडो पैलेट्स की बात अगर कर रहे हैं हम लोग, तो और भी ज़्यादा वहाँ पे जितने भी पैलेट्स अवेलेबल थे उनके भी बारे में बात कर लेते हैं। वहाँ के आई शेडो पैलेट्स तो मस्त होते ही हैं, उसके अलावा वहाँ पे जितने भी फेस पैलेट्स, ब्लश पैलेट्स और हाइलाइटर पैलेट्स भी थे वो भी काफ़ी अच्छे और सुप्रीम क्वालिटी
कि मुझे लग रहे थे। मैंने वहाँ से एक फेस पैलेट परचेज़ किया हुआ है जिसको मैंने अपने मेकअप ट्राई ऑन हॉल वीडियो में दिखाया है, यूज़ भी किया है। उसका पिगमेंटेशन बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, उसमें काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स एक ही साथ मिल जाते हैं, लाइक हाइलाइटर, ब्लश, ब्रॉन्जर, और ऐसा नहीं था कि सिर्फ एक ही एक उनके पास शेड्स हों, एक पैलेट में उनके पास तकरीबन 8 से 10 शेड्स अवेलेबल थे। आपके अकॉर्डिंग है, लाइक आपके ऊपर है कि आप स्मॉल वाला परचेज़ करते हो कि बिग वाला। मैंने बड़ा वाला परचेज़ किया था, उसमें मुझे 8 शेडो मिल गए थे, मतलब 8 शेड मिल गए थे इन जस्ट ₹250, विच इज़ इनक्रेडिबल। गाइस, नेक्स्ट वीडियो इज़ गोइंग टू बी लाइव ऑन दिस संडे, सो स्टे ट्यून फॉर दैट। So yeah, that's it for this video, and if you like this video then do like, comment, share and subscribe to my channel, and also hit the bell icon so that you get notified each time I upload a new video. Thanks for watching. Jai Hind.